वही धमतरी जिले में सरकार ने 15 जून के बाद सभी रेत खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी धमतरी जिले में रेत का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। इसको लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और रेत के अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। आप देखेंगे धमतरी हमारा शांति प्रिय जिला हमेशा से रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देखेंगे गुंडा माफिया राज जंगल राज यहाँ चालू हो गए। तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है आखिर में? तो संरक्षण रूपी जो उनका आँख में परत बंधा हुआ है माननीय महोदया कलेक्टर महोदया के आँख में, तो गुलाब जल लेकर के हम आज भेंट करने आए थे कि अपने आँख में डालेंगे और आँख में डालने के बाद उनको जो माफियाओं को संरक्षण वाला परत है वो हटेगा, उसका निष्पक्ष होके जांच करके कार्रवाई करेंगे, अवैध खदानों को बंद करेंगे। हमने 3 दिन का समय दिया है कलेक्टर महोदय को, 3 दिन के भीतर यदि कार्रवाई नहीं होता, दर्री खदान में जो घटना हुआ है उसमें जांच नहीं होता, अवैध खदाने बंद नहीं होता, तो NSUI को बलपूर्वक सड़क में आके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो मांग किया है आपके सामने वो विषय को पढ़ा भी गया है, उसको ले लिया गया, कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन सौंपा गया है।